अगर नंबर ऑड हो तो एक ही मिडल टर्म होती है, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो दो मिडल टर्म्स। ऑड होने पर एन, अगर एन है नंबर ऑफ टर्म्स तो एन प्लस 1/2 एक ही मिडल टर्म, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन इवन है तो दो मिडल टर्म एन अपॉन 2th एंड एन बाय 2 प्लस 1th। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है मिडिल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20, 16, 12 अप टू -176। अभी हमने जो बात की उसके हिसाब से मिडिल टर्म बताने के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पहले पता होना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि कितनी मिडिल टर्म्स हैं, कौन सी हैं, और फिर उन्हें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। चलिए जी, जल्दी से पहले नंबर ऑफ टर्म्स बता दो कितनी है इस सीक्वेंस में। आपके पास ए है, डी है, ए एन है, दिस इज -176। 50 नंबर ऑफ टर्म्स आर 50। और माइक बहुत ज्यादा इको आ रही है। हाँ जी, ए एन है हमारे पास, ए है, डी है, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल करके सिर्फ मुझे एन की कैलकुलेशन करनी है। ए एन इज -176, ए इज 20, डी इज -4। यहां पर डी की कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है, डी इज T2 - T1, तो 16 - 20 डिक्रीजिंग एपी है, टर्म्स की वैल्यूज की टर्म डिक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। यहाँ पर 20, 16, 12 डिक्रीजिंग, सो डी इज गोइंग टू बी इन नेगेटिव, दैट इज -4। फॉर्मूला फॉर एन इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, -176, ए इज 20, एन माइनस वन इन टू डी विच इज -4। -176, 20 - 4, एन +4, 24, इधर पॉजिटिव इधर जाएगा नेगेटिव, सो -200 इज इक्वल टू -4n, -4 से कैंसिल कर दें तो n की वैल्यू 50। 50 का मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो दो मिडिल टर्म्स होने वाली हैं। ठीक है जी, कौन सी होंगी वो, विच आर द टू मिडिल टर्म्स। एन इज 50, तो कौन सी दो मिडिल टर्म्स हैं, एन बाय 2 एंड एन अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, दैट इज 25 और 26 का। 25th एंड 26th टर्म्स आर दी मिडिल टर्म्स। आपसे यहां पर वैल्यू पूछी गई है मिडिल टर्म्स, आंसर के हिसाब से कौन सी टर्म नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टर्म दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो यहां पर आपको एन मिला है कि 25वीं और 26वीं टर्म, लेकिन आंसर में क्या पूछा गया है, A25 एंड A26। सो टू रीच एट द आंसर आई हैव टू कैलकुलेट A25, दैट विल बी A+24D, ए इज 20, 24 into -4, सो दिस इज गोइंग टू बी 20 - 96, दैट इज -76। और अगली टर्म 26 निकालनी है तो -4 का कॉमन डिफरेंस है तो टर्म बनेगी -80। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, A26 निकालना है तो A+25D, ए इज 20, 25 into -4, 20 - 100 - 80। सो द टू मिडिल टर्म्स आर देयर, 25th एंड 26th, वैल्यूज ऑफ द टर्म्स आर -76 एंड -80। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द असर्शन रीजन। यहां पर अगेन आपको बोला गया है वैल्यू ऑफ एन, इफ ए इज 10, डी 5, ए एन इज 95 इज 16। बोलिए जी, इज इट करेक्ट और नॉट, एन की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ दिया है, जो फर्स्ट पार्ट हमने इस क्वेश्चन में किया।
एन मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन निकालना है, वही सेम काम इसके असर्शन रीजन के फर्स्ट पार्ट में आपको करना है, और आपको बताना है क्या एन की वैल्यू 16 आ रही है। एन इज 18। कमिंग आउट टू बी 18, ठीक है जी, एन इज कमिंग आउट टू बी 18 एंड नॉट 16, इसका मतलब असर्शन है आपका फॉल्स। जल्दी से निकालो जी बाकी लोग, फटाफट करो। An is 95, A is 10, D is 5, N is to be calculated. A plus N minus 1 into D. A is 95, D is 10, N Assertion is true. assertion is true. ना भाई ट्रू तो नहीं है, ट्रू तो नहीं है। 95 इज 10 प्लस एन माइनस वन इंटू फाइव, 10 को इधर शिफ्ट किया, 85 इज एन माइनस वन इंटू फाइव, 85 डिवाइड बाय 5 इज एन माइनस वन, तो 17 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन तो 18 आ रहा है बेटा, और यहाँ एन दिया है 16, इसका मतलब असर्शन कैसा है? फॉल्स। रीजन इज ट्रू, द जनरल फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, दिस इज ट्रू। तो असर्शन आपका फॉल्स है, यहाँ पर असर्शन में एन की वैल्यू 16 दे रखी है जबकि आ रही है 18, और रीजन आपका ट्रू है, ए एन का फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। हाँ जी, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे करना है 10th E से मोहित, मोहित फ्रॉम 10th E, बच्चे जल्दी से आ जाओ माइक के पास। क्वेश्चन है आपका, असर्शन है 11th टर्म ऑफ द एपी, इसकी 11th टर्म निकालनी है। हाँ जी मोहित, A11 A11 is equal to A plus 10D, A कितना है बेटा? 7, equal to और D कितना है? D is मैं 7 plus 20, 27, यही दिया है मुझे, इसका मतलब assertion कैसा है? True। और फिर अगले में दिए एस एन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, देन इट्स एनथ टर्म, ए एन इज गिवन बाय एस एन माइनस वन, ये ट्रू है या नहीं है बेटा? इज ट्रू। ट्रू, कल हमने ये डिस्कशन की थी कि एस एन माइनस एस एन माइनस वन करके आपको एनथ टर्म मिल रही है, इसका मतलब रीजन भी ट्रू है। आंसर ए बनेगा बच्चे के बी बनेगा? एम ए ए कैसे बनेगा? यहां पर nth टर्म को निकालने के लिए क्या आपने एस एन माइनस वन का यूज किया या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज किया है? इस फॉर्मूले का यूज किया ना बेटा, nth टर्म निकाल रहे हैं, 11th निकाल रहे हैं, लेकिन ये यूज करके नहीं निकाल रहे हैं, ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। ठीक है बच्चे, चलिए सीट पर। जब भी आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाले दो ऑप्शंस हैं वो हैं ए एंड बी। ए ऑप्शन में जो कुछ आपको रीजन में दिया है वो आप असर्शन को ट्रू प्रूव करने के लिए यूज करेंगे, तब तो आंसर ए बनेगा, लेकिन अगर आप उसको यूज किए बिना ही असर्शन को ट्रू बता पा रहे हैं तब आंसर बी। जैसे यहां पर असर्शन इटसेल्फ ट्रू है, रीजन इटसेल्फ ट्रू है, लेकिन रीजन में जो कुछ दिया उसे यूज करके मैंने असर्शन को ट्रू प्रूव नहीं किया, दैट्स व्हाई माय आंसर हियर इज बी एंड नॉट ए।
टेंथ डी से पंकज, पंकज फ्रॉम टेंथ डी, कम नियर द माइक अलोंग विद योर असाइनमेंट। हाँ जी बेटा, थर्ड असर्शन रीजन, an - an-1 इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, देन द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। क्या बात समझ में आ रही है, पहले ये बताओ। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये an - an-1 क्या दे देता है बेटा, क्या था ये, कॉमन डिफरेंस। उसको बोल लें तो बेटा। हमने दो बातें पढ़ी थी पिछली क्लास में, Sn-1 गिव्स अस an एंड an-an-1 गिव्स अस t। अब यहाँ असर्शन में ये कह रहा है an - an-1 इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। इस बात का मतलब क्या बच्चे, बताएंगे आप मुझे पंकज? इफ आई से समथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ n और इंडिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट ऑन n, इसका मतलब क्या? बेटा मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, 3n+5, इसको हमने बोल दिया है से p। बच्चे ये p की वैल्यू क्या अब n पर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो अब हम यहां पर क्या कहेंगे, p इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, से p डिपेंड्स अपॉन n। बट इफ आई हैव से p इज इक्वल टू 3, नाउ डज द वैल्यू ऑफ p डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? नो, क्योंकि p की वैल्यू 3 ही रहने वाली है, n को जो मर्जी करते जो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें n की वैल्यू है ही नहीं कहीं पर। ऐसा एक्सप्रेशन में p इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, और आई से p डिपेंड्स अपॉन n, व्हाइल हियर p इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो पहले टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आंसर कर पाओगे। और अब पंकज के अलावा और किसी की आवाज मुझे आनी नहीं चाहिए। पंकज फ्रॉम टेंथ डी इज गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज an - an-1 जो कि डी है मेरे पास, ये कहा जा रहा है दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन। नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन का मतलब है यहां से जो आंसर आए वो एन की टर्म्स में ही आएगा, तो क्या गिवन सीक्वेंस एपी होगी? हाँ जी पंकज, को समझ में आ रही है बात? पंकज इज नॉट एबल टू आंसर, बैठ जा बेटा। टेंथ सी से मोहित, मोहित फ्रॉम टेंथ सी। हाँ जी बेटा, क्या बात समझ में आई आपको? यहां से मुझे कहा जा रहा है an - an-1 विच इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन, मतलब क्या है इसका? सिर्फ सिर्फ आपका वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, क्लियर नहीं है। हाँ जी मोहित, क्या हाँ जी मोहित, क्या मेरी कोई आई जाए, कोई आई जाए, ये ट्रू है या ये फॉल्स? ट्रू है या ट्रू है। अच्छा, और कौन कौन कहता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है? हैंड रेज करना जरा। हाउ मेनी ऑफ यू से ट्रू स्टेटमेंट? हाँ जी, कौन कौन कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो असर्शन में बोला गया वो ट्रू बात है, सही है, करेक्ट है? एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर इट? अगर करेक्ट है तो कैसे है और इनकरेक्ट है तो कैसे है? एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन इट? चलिए मोहित आप बैठिए बेटा। मुझे कहा जा रहा है दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इसका मतलब डी जो है वो एन की टर्म्स में आएगा, एन की टर्म्स में आएगा। सपोज यही एक्सप्रेशन ले लें तो
तो क्या ये कांस्टेंट हुआ? ये तो जैसे जैसे मैं एन को चेंज करूंगी टी बदलता जाएगा। अगर डी बदलता जाए तो क्या सीक्वेंस एपी होगी? हाँ जी, इफ डी कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर डिफरेंट टर्म्स, ए टू माइनस ए वन करूं तो कुछ और आ जाए, ए थ्री माइनस ए टू करूं तो कुछ और आ जाए, तो क्या सीक्वेंस एपी होगी? बोल दो। देखो बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन। इफ दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इसका मतलब इसमें से कुछ एन वाले टर्म्स आएंगे। अगर एन वाले टर्म्स आ रही हैं, सपोज हमने कहा ये 3n+5 आ जाता, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे मैं एन को बदलू, मैं एन को 1 डालू तो डी हो गया 8, एन को 2 डालू तो ये क्या हो जाएगा 11। अगर मेरा डी बदलता जाए एक ही सीक्वेंस के लिए, डिफरेंस बदलता जा रहा है टर्म्स के बीच का, तो क्या उस सीक्वेंस को एपी बोलेंगे हम? एपी के लिए तो सभी टर्म्स का डिफरेंस कैसा होना चाहिए था? सेम तो बदलता जा रहा है तो क्या होगा? दिस कैन नॉट बी अ एपी। अच्छा चलो एक बार और देखो। सपोज मैंने किसी भी एपी की nth टर्म को बोला 5n+6, लीनियर इक्वेशन है तो एपी की nth टर्म हो सकती है। इस फॉर्मूले से डी निकालने की कोशिश करते हैं। ए एन माइनस ए एन माइनस वन। अब ए एन माइनस वन का मतलब जहां जहां एन पड़ा था उसको एन माइनस वन से रिप्लेस करना है। ए एन माइनस वन मीन्स वॉट? यहां पर ए एन की वैल्यू डाली 5n+6, और ए एन माइनस वन का मतलब है जहां भी ए एन के एक्सप्रेशन में एन है उसको एन माइनस वन से रिप्लेस कर दो। देखते हैं जरा क्या मिलेगा। 5n-5+6, 5n+6 दिस विल बिकम -5n, यहां से आया +1 और एक -1, तो क्या आ रहा है मेरे पास? डी की वैल्यू क्या आई? 5। क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है या इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, ये जो मेरे पास डी की वैल्यू आई है, इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ एन और नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन? बोल दो। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। एन पर ये डिपेंड ही नहीं कर रही, एन जो मर्जी हो, यहां एन आ ही नहीं रहा, डी हमेशा क्या रह रहा है? कॉन्स्टेंट रह रहा है। क्या? 5। सो ये एपी है, लेकिन अगर मेरे पास डी की वैल्यू एन पर डिपेंडेंट आ जाए, दैट मीन्स नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ जाए, तो फिर वो एपी नहीं होगी। इसका मतलब ये जो मेरी असर्शन है दैट इज फॉल्स। यहां पर मेरा जो असर्शन है दैट इज फॉल्स, और रीजन जो दिए है, कॉमन डिफरेंस an-1 इज कॉन्स्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ एन, दैट इज ट्रू। सो आंसर इन दिस केस इज डी। ये बात कुछ समझ में आई है बच्चों या नहीं? से यस और नो एनीबडी? नहीं आई तो बता दो, मैं वापस एक्सप्लेन करूं। ना हाँ में जवाब है ना ना में जवाब है, व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड? an-an-1 अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा तो एपी होगी, और अगर डिपेंडेंट ऑन एन होगा या नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा तो वो एपी नहीं हो सकती। रीजन आपको बता दिया कि अगर यहां पर एन की वैल्यू बच जाएगी तो एन को डिफरेंट वैल्यूज देने पर डी डिफरेंट होता चले जाएगा, लेकिन एपी के केस में डी को तो सेम रहना है। तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट। चलें जी आगे केस स्टडी पर। पढ़ो जी केस स्टडी पर।
केस स्टडी में आपको बोला गया, इन इन्वेस्टिगेटिंग डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज यू फाइंड द फर्म ए विल स्टार्ट यू एट 25,000 पर ईयर एंड गारंटी यू अ रेज ऑफ ₹1,200 ईच ईयर, व्हाइल फर्म बी स्टार्ट्स विद 28,000 पर ईयर बट विल गारंटी यू अ रेज ऑफ ओनली ₹800 ईच ईयर. दो फर्म का डाटा दिया है. फर्म ए में स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? ₹25,000 और रेज जो है पर ईयर दैट इज ₹1,200. और फॉर्म बी में क्या हो रहा है? स्टार्ट कर रहे हैं ₹28,000 से और रेज पर ईयर दिया जा रहा है 800. ठीक है जी. विच फर्म ए और बी यू शुड ज्वाइन इफ यू प्लान टू स्टे एट इट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स? आपको दो फर्म्स हैं, ए और बी, ज्वाइन करनी है 15 साल के लिए. आप उस फर्म में, उस कंपनी में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं. तब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए, फर्म ए वाली या फर्म बी वाली, विच इज गोइंग टू गिव यू मोर बेनिफिट इफ फर्म A. Okay, who is answering from A? Which section? Section C. C. क्या explain करेंगे इसको, why firm A? How you have reached at this conclusion that firm A is better than firm B? And whosoever has given the answer from 10C, please explain why firm A is better than firm B. What is the base? Why you have concluded this? अरे आंसर किया है तो कुछ सोच के ही तो किया होगा ना. क्या सोच के किया? बस वही तो पूछा मैंने. बिकॉज द वैल्यू ऑफ फर्म ए विल बी ग्रेटर देन फर्म बी. द मनी वी गेट, the sum of first 15 terms. You need to find out sum. Yeah, A15. Yeah, you are supposed to. Mic off कर दो. 15 साल आप वहां रुकना चाहते हैं तो 15 साल बाद आपको क्या मिल रहा है दोनों फॉर्म्स में, वो आपको कैलकुलेट करना. एक कांस्टेंट राइज मिल रहा है हर साल, ये पहली बार आपको दिया जा रहा है, मतलब ये ए हो गया, ये डी हो गया. तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, इसका A15 और इसका A15? जिसका A15 बड़ा होगा दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि कहीं पर भी स्टे करने के लिए क्या रीजन क्या है, यू शुड गेट मोर मनी इफ आई एम कंपेयरिंग इट ऑन दैट बेसिस. अदरवाइज देर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स, बट अभी हम क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं, मनी वाइज कौन आपको बेटर कंपनसेशन दे रहा है, उसी फॉर्म में यू लाइक टू स्टे. तो आपके पास इसके लिए A15 कैलकुलेट करो, इसका A15 कैलकुलेट करो. जिसका A15 ज्यादा आएगा देर यू शुड बी. A15 इज A+14D. A कितना है आपका? 25,000 यहाँ पर, और D है 12,000. बताओ जी, कैलकुलेट करके क्या मिलेगा आपको? 25,000 प्लस 14 × 1,200 कितना बन रहा है? ₹41,800 इज व्हाट आई एम गेटिंग इन फर्म ए ऑन इन 15th ईयर. और यहां पर ए है आपका 28,800 रुपए का आपको बेनिफिट हो रहा है. तो यहां पर आपका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? 39,200. Obviously, you would like to stay with firm A and not with firm B, because
your compensation in 15th year is more in firm A as compared to firm B. Next, what would be your annual salary at the firm A for 10th year? मतलब क्या निकालना है 10th year में अपनी सैलरी अगर आपको देखनी है तो क्या निकालना है आपको इस डाटा के साथ A10 और इस डाटा के साथ A10 दोनों अगले क्वेश्चंस का आंसर A10 इज A प्लस 9D A आपके पास 25,000 और D 1200 फॉर फर्म A A 28,000 एंड D 800 फॉर फर्म B and if you'll calculate your 10th terms A plus 9D in both so second ka answer C ban raha hai 35,800 or third question ka answer 35,200 B answer so first part ka answer A hai that is from A second part ke liye C is the answer and for third answer is B ठीक है जी एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव फिनिश्ड ऑफ विद मॉड्यूल वन इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू यू कैन आस्क जल्दी से देख लो कोई क्वेश्चन जो आप इसमें पूछना चाहते हैं तो बता दो हाँ जी एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क फ्रॉम मॉड्यूल वन एनीवन हु इज नॉट क्लियर अबाउट एनी ऑफ द क्वेश्चंस चलिए जी अगर क्लियर है तो मॉड्यूल टू का असर्शन रीजन से शुरू करते हैं हाँ जी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम असर्शन रीजन इन मॉड्यूल टू और मॉड्यूल टू के फर्स्ट असर्शन रीजन के लिए 10th ए से अनामिका अनामिका फ्रॉम 10th ए माइक के पास आ जाओ बेटा हाँ जी बेटा फर्स्ट असर्शन में मुझे कहा गया सम ऑफ द सीरीज विद nth टर्म nth टर्म को यहां tn से दिया जा रहा है इज 220 when number of terms is 6 क्या कहा जा रहा है मुझे कि ये 220 कितनी टर्म्स का सम है बेटा हाँ जी अनामिका क्वेश्चन के हिसाब से मुझे कहा गया सम ऑफ द सीरीज विद nth टर्म एज 9-5n इज 220 When number of terms is 6, तो ये क्या है Is it कितनी terms के sum की value है according to this? 6. So ये क्या कह रहा है कि S6 220 होगा अगर nth term ये है अब मैंने बताना है ये true है या false है बता बच्चे क्या करूं S6 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा सम ऑफ सिक्स टर्म्स Sn का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP का फॉर्मूला क्या होता है नामिका हाँ जी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP व्हाट इज द फॉर्मूला n by 2 into 2a plus n minus n by 2 into 2a plus n minus 1 into d कितना है बेटा s6 की बात कर रहे हैं तो n कितना हो जाएगा सिक्स लो जी ये nth टर्म दी है आपसे फर्स्ट टर्म ए की बात पूछूं तो क्या पिछली क्लास में हमने इसके ऊपर बात करी थी शायद यहां तो चलो दिया ही tn है आपको बताओगी अगर ये tn है 9-5n तो फर्स्ट टर्म क्या होगी कैसे निकलेगी फर्स्ट टर्म
इसको ए एन ले लो। चलो अगर कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि आप ए एन से काम करते हैं, लेट अस टेक इट एज ए एन। इफ दिस इज ए एन, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? हाउ टू गेट द फर्स्ट टर्म बेटा? एनथ टर्म का फॉर्मूला गिवन हो और फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? एन की वैल्यू 1 डाल। एन की वैल्यू 1 डाल दें तो ए की वैल्यू आ गई है 4। चलिए बेटा बैठिए। 10th ए से गगनदीप, एब्सेंट। रोहित, रोहित भाटिया, रोहित भाटिया फ्रॉम 10th ए। हाँ बेटा, अब मैंने ये वेरीफाई करना है कि S6 की वैल्यू 220 आ रही है कि नहीं आ रही है। A की वैल्यू 4 आ गई है तो ये 4 2 8, N 6 है तो ये 5। D बता दे बेटा क्या होगा? D कैसे निकालूं? मुझे nth टर्म दे रखी है, सम ऑफ 6th टर्म 220 होगा। ये मुझे वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है कि 220 है या नहीं। मैंने एस एन का फॉर्मूला उठाया, एन अपॉन टू टू। एन हाँ, डी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? ए टू एन माइनस ए वन, बिल्कुल ठीक है। ये ए वन तो आ गया, अब अगर ए टू मिल जाए तो फिर माइनस करके मैं डी निकाल लूंगी। अब ए टू कैसे निकलेगा बेटा? वैल्यू 2 पा एन की वैल्यू 2 डाल देते हैं यहाँ, जब एन को 2 डालूं तो ये बन गया -1। तो डी क्या आ जाएगा? ए टू माइनस ए वन, दैट इज -1 -4। सो डी की वैल्यू इज -5। देखो जरा ये कैलकुलेट करके क्या आंसर 220 आ रहा है। चलिए बेटा अपनी सीट पर, कैलकुलेटेड एंड टेल मी आर यू गेटिंग 220 एज द आंसर और नॉट? आंसर यहां से आपका नेगेटिव में आएगा, 9 -5 एन। एन को 1 डालें तो 4 बनेगा, 2 डालेंगे तो -1। डी आया -5, एन को डालना है 6, ए 4 है, 5 इंटू डी -5। सो आंसर इज गोइंग टू बी इन नेगेटिव। इसका मतलब आपका असर्शन क्या हुआ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हाँ जी, इज असर्शन ट्रू और फॉल्स? और फॉल्स है। आप इसको कैलकुलेट करें या ना करें, आंसर यहाँ पर 220 दिया था मुझे, ये 220 तो आ ही नहीं सकता। ये आपका नेगेटिव में आंसर आने वाला है, इसका मतलब असर्शन हुआ फॉल्स। और रीजन क्या दिया है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय द फॉर्मूला एस एन 2n into 2a। ये भी गलत है, दोनों गलत वाला ऑप्शन मैथ्स में तो नहीं आता, साइंस में आता है आप लोगों को। तो यहां पर एक काम करो, जो रीजन है इसमें एस एन को करेक्ट फॉर्मूला लिख लो, एन अपॉन टू 2a + n-1 into d। मेक इट एन अपॉन टू 2a + n-1 into d। तो आपका रीजन करेक्ट हो जाएगा और असर्शन फॉल्स हो जाएगा। तो फिर आंसर आपका बन जाएगा डी। ठीक है जी, दोबारा देख लेते हैं। हमें nth टर्म दे रखी थी 9 -5 एन, सम ऑफ द सीरीज विद nth टर्म tn इज 220 व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज 6। इसका मतलब S6 220 है, ये मुझे कहा जा रहा था। Sn के फॉर्मूले में हमने n को 6 डाला, a यहां से n को 1 डाल के डाल दिया और a2 निकाला, और a2 -a1 -5। सो आंसर इज नॉट कमिंग आउट टू बी 220। सो असर्शन इज फॉल्स। रीजन में करेक्शन कर लो, इंस्टेड ऑफ 2n मेक इट n अपॉन 2। सेकेंड असर्शन पर हम चल रहे हैं। सेकेंड असर्शन में मुझे बोला गया, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी एस एन इज गिवन एज 3n² - 4n, देन इट्स nth टर्म इज 6n - 7। तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आई हैव टू यूज Sn - Sn-1 टू गेट ए एन। यही फॉर्मूला है मेरे पास,
nth टर्म निकालने के लिए व्हाट डू आई नीड टू डू, Sn minus Sn minus 1, Sn की वैल्यू दे रखी है 3n square minus 4n, और Sn minus 1 के लिए n को क्या डाल देना है मैंने, n minus 1. जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट एंड सी आर यू गेटिंग 6n minus 7. जल्दी जल्दी करना जरा, देखिए जरा कौन कैलकुलेशन सही करता है. कैलकुलेशन ही है इस क्वेश्चन के अंदर, और ज्यादा कुछ करने को है नहीं है. An का एक्सप्रेशन Sn minus Sn minus 1 से आता है, Sn का एक्सप्रेशन दिया था n minus 1 के लिए, इस n को n minus 1 से रिप्लेस करना है. यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ब्रैकेट्स खोलो, बाहर नेगेटिव पड़ा है, ध्यान से टर्म्स को इकट्ठा करो और देखो क्या 6n minus 7 पे पहुंच रहे हो. फटाफट करो, जरा देखे आंसर बन रहा है, a बन रहा है कि नहीं बन रहा है. बैठने के लिए नहीं कहा मैंने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है. फटाफट करो जरा, एवरीबडी शुड बी डूइंग इट. ये कैलकुलेशन मैंने अपने लिए नहीं करनी है, आप लोगों को सिखाने के लिए करनी है. सो यू शुड बी एबल टू डू इट, नॉट आई. करो जरा जल्दी जल्दी और बताओ मुझे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्ट. आ रहा है 10th ए से 2-3 बच्चों का हाथ खड़ा हुआ, बाकी अभी किसी ने कोई हाथ खड़ा नहीं किया. फटाफट निकालो जरा बाकी बच्चे, जल्दी से ओपन दिस ब्रैकेट. पहले ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, जो टर्म्स बन रही हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट ओपन करो और फिर ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, ध्यान से कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये बीच में नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव. नेगेटिव साइंस ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स. 3n square minus 4n minus 3 times a square plus b square minus 2ab, इसको खोलने तो -4n + 4. 3n square minus 4n, नेगेटिव साइन, 3n square plus 3 minus 6n minus 4n plus 4. 3n square minus 4n, 3n square minus 10n plus 7. लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, -6n and -4n. नाउ इफ आई ओपन इट, -3n square plus 10n minus 7, 10n minus 4n 6n minus 7. और यही मुझे दिया हुआ था कि ए एन की वैल्यू 6n minus 7 आ रही है या नहीं. तो आई एम गेटिंग ए एन एज 6n minus 7. सो असर्शन इज ट्रू, इज रीजन ट्रू, इज इट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ऑल्सो. यस, इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है, ए एन एस एन माइनस एस एन माइनस वन करके हमने निकाला, तो आंसर 6n minus 7 आ रहा है. इसका मतलब असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. सो आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी ए. चलिए जी थर्ड देखें जरा, ध्यान से करना, क्वेश्चन में गलती होने का चांस है. क्या कहा गया मुझे, सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय
फाइव. क्या क्या कहा गया? फर्स्ट हंड्रेड इवन नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और दूसरा डिविजिबल बाय फाइव होने चाहिए. हाँ जी, टेंथ बी से दिशांत. दिशांत फ्रॉम टेंथ बी. सबसे पीछे जाके बैठा कि कोई कहां मुझे ढूंढ ही ना ले कहीं. दिशांत बोल बेटा, मुझे पहला ऐसा इवन नेचुरल नंबर बता दो जो पांच से डिविजिबल हो. हाँ जी, जोर से बोल बेटा, दोबारा बोल. टेन. टेन, बिल्कुल ठीक है जी. इवन नेचुरल नंबर चाहिए, डिविजिबल बाय फाइव चाहिए. अगर इवन की बात नहीं कही होती तो फिर कौन सा नंबर होता? डिविजिबल बाय फाइव. पहला नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय फाइव. फिर क्या होता बेटा? अगर ये इवन वाली कंडीशन नहीं होती तो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय फाइव वुड हैव बीन फाइव. अभी हो गया दस. अगला नंबर बता बेटे क्या होगा? टू. क्या? टू. टू बोला आपने कि ट्वेंटी बोला? दोबारा बोलो दिशांत, जोर से. 20. ट्वेंटी. नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय फाइव इज 20. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 30, 40 एंड सो ऑन. अब बच्चे मेरे को यहां पूछा गया है दिशांत, सम निकालना है फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स का. बताओ क्या करो? फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? पहला नंबर आपने बता दिया 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है. मुझे एस 100, क्या ये एपी है? पहले तो ये बताओ बेटा, इज इट एन एपी? यस. एपी के सम का फॉर्मूला आता है बेटा आपको? यस मैम. बोलो बेटा क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, बताओ क्या है? एस एन इक्वल टू एन ओवर टू हाँ जी, ब्रैकेट टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इक्वल डी. बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड. अब इसमें मुझे एन की वैल्यू बताओ क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, ए क्या है, डी क्या है? ए 10, ए 10, डी कितना है बेटा? 10. और कितनी टर्म्स का सम निकालना है? एन कितना है? ए 10 बता दिया, डी 10 बता दिया, एन नहीं बताया अभी आपने. एन कितना है, कितनी टर्म्स का सम निकालना है मुझे? 100. 100. सो एन की वैल्यू विल बी 100. ठीक है बेटा, वेरी गुड, गो टू योर सीट. दिस विल बी 50 इंटू 20 प्लस 99 इंटू 10. 500 तो आंसर नहीं आ सकता इन एनी केस. माई आंसर कैन नॉट बी 500. इसका मतलब असर्शन क्या हो गया? फॉल्स. और रीजन क्या है? इज इट ट्रू और फॉल्स? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म. असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. सो आंसर हो जाएगा आपका डी. असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, आंसर इज डी. ठीक है जी, तो फर्स्ट असर्शन रीजन का आंसर डी है, सेकेंड का ए है और थर्ड का आंसर भी डी. अगर किसी को कोई डाउट है इन तीनों असर्शन रीजन में तो बता दो मुझे. Anybody having any doubt in all these three assertion reasons, then tell me. चलिए जी, फिर फर्स्ट एमसीक्यू पर चलिए. और मैंने माइक पे बुला के पूछना, फटाफट पढ़ लो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है. फर्स्ट एमसीक्यू, रीड इट केयरफुली.
ध्यान से पढ़ लो सारे, माई पे बुला के पूछना है मैंने शुरू कैसे करना है क्वेश्चन को। फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ना जरा। पहली बात मुझे कही गई है, द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हैविंग 10 टर्म्स एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म इज 99। इस बात का मतलब क्या है? ये 99 जो सम है ये 10 टर्म्स ऑफ एन एपी का है? इज इट S10? नाइन नाइन टर्म्स का है। पहली 9 टर्म्स का सम है या सेकंड ऑनवर्ड्स? यहां पर जो वर्ड यूज किया है एक्सेप्ट फॉर दी फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फॉर दी फर्स्ट टर्म, इसका मतलब पहली टर्म को छोड़ करके बाकी अगली टर्म्स का, मतलब A2 से लेकर के A9 तक के टर्म्स का जो सम गिवन है वो है 99। फिर आगे बोला गया एंड एक्सेप्ट फॉर द, सॉरी A9 नहीं, A10 तक, सेकंड से 10th टर्म, टोटल 10 टर्म्स हैं, पहली टर्म को छोड़ दूं तो बाकी बची हुई टर्म्स का जो सम है वो 99 एंड एक्सेप्ट फॉर द 6th टर्म इज 89। अब कौन से टर्म को छोड़ना है मैंने? हाँ जी, विच टर्म आई एम नॉट सपोज टू कंसिडर? सिक्स्थ को, बाकी सारी, मतलब A1, A2, A3, A4, A5, 6 नहीं लेना, A7, A8, A9 एंड A10, दिस इज 89। सिर्फ हमने कौन से कंसिडर नहीं करनी है, A6, एक्सेप्ट फॉर 6th टर्म, बाकी सब का टर्म सम 89 है। फाइंड 8th टर्म ऑफ एन एपी, आई एम सपोज टू कैलकुलेट 8th टर्म इफ सम ऑफ फर्स्ट एंड 5th टर्म इज गिवन टू बी 10। आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक A2 से A10 का टर्म 99, A1 से A10 एक्सेप्ट A6 इज 89, फर्स्ट और फिफ्थ टर्म का सम 10 है, 8th टर्म निकालने को बोला गया। 1 मिनट दे रही हूं, जल्दी से जरा कैलकुलेट करो फिर मैं बुला के पूछू। फटाफट देखना जरा क्या करोगे, जल्दी से डू इट क्विकली, डोंट टेक मच ऑफ द टाइम, क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। टेंथ डी से तरनवीर, तरनवीर फ्रॉम 10th D। हाँ जी बच्चे बताओ कहाँ से शुरुआत करूं, क्या करूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैसे यूज करना है ये समझाओ मुझे। तरनवीर क्वेश्चन अभी देखना शुरू किया है, अभी तक क्या कर रहे थे बेटा? बेटा बोर्ड पे सब कुछ लिखा है आपकी सहूलियत के लिए, आपके जैसे बहुत बच्चे हैं जो शायद असाइनमेंट तक पहुंचते नहीं, बोर्ड पे लिखा है बहुत कुछ, देख लो शायद कुछ समझ में आ जाए। A2 से लेकर के A10 तक के टर्म्स का सम 99 है,
A1 से A10 एक्सेप्ट A6 89 है। फर्स्ट और फिफ्थ टर्म का सम 10 है, एथ टर्म निकालनी है। कहाँ से शुरुआत करूं ये बताओ, कोई भी एक स्टेप बता दो मुझे, क्या करूं? आवाज नहीं आ रही बेटा, आई कांट हियर यू। माइक चेक करो अपना, ठीक है या नहीं। आवाज नहीं आ रही, चलिए बैठिए सीट पर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे माइक में कुछ। 10th F योगेश, योगेश चौधरी फ्रॉम 10th F। आ जाओ बेटा जल्दी जल्दी माइक के पास। इज योगेश हेयर? यस हाँ आ जा बेटा, आ जा आ जा, सोच सोच के उठते हैं बेटा, तुम्हारा ही नाम है। जल्दी बता बेटा कहाँ से शुरुआत करूँ, कोई भी एक स्टेप बता दे जहां से तुम्हें समझ में आता है कि मैं काम करना शुरू कर सकती हूँ क्वेश्चन को देख करके। यहां से ये सबसे आसान स्टेप है, फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म का सम 10 है, क्या लिख सकती हूँ मैं? A1 फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं बेटा? एपी में फर्स्ट टर्म को ए लेते हैं, डी लेते हैं, कुछ और लेते हैं, क्या लेते हैं? फर्स्ट A+4, टर्म को क्या लूं? अच्छा A+4, फर्स्ट टर्म को A+4, और फिफ्थ को क्या लूं फिर? एनथ टर्म का फॉर्मूला बताना बेटा क्या होता है, एपी की एनथ टर्म का फॉर्मूला योगेश क्या होता है? एनथ योगेश, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनथ टर्म ऑफ एन एपी? A+N-1D। A+N-1 × D। अब अगर A1 निकालना है तो यहां पर n को क्या डालना है मुझे? A4। यहां मुझे A1 निकालना है बेटा, पहले मेरे बात ध्यान से सुन ले। ये nth टर्म का फॉर्मूला बताया आपने, मुझे क्वेश्चन में A1 चाहिए। A1 का मतलब है यहां n की वैल्यू क्या डालूं? नंबर 1। अगर n को 1 डालोगे तो ये a हो गया, 1 − 1 0, तो अगली टर्म तो 0। अब जरा A5 बता दो क्या बनेगा? A5 के लिए एन को क्या डालना है बेटा? A+4 और भाई डी भी है साथ में, वो क्यों भूल जाता है? A+4 किसी ने बता दिया, आगे भी सोच लो, फॉर्मूला लिख दिया, सब कुछ हो गया, फिर दिमाग काहे को नहीं लगाते हो? कहाँ रहता है दिमाग? इस फॉर्मूले में अगर एन को 5 डालोगे तो डी गायब हो जाएगा क्या, या रहेगा साथ में? विल इट बी A+4 और A+4D? योगेश क्या होगा A5? A+4D है A+4? A+4D। A+4D इज इक्वल टू 10। आगे सिंप्लीफाई कराओ जरा इसको, देखें क्या करते हो। A+4D इज इक्वल टू 10, आगे कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको? A+A कितना होगा बेटा? वे 2A+4D इज इक्वल टू 10, दो सब में से कॉमन ले लो, A+2D इज इक्वल टू 5। बैठ जाए बेटा, एक रिलेशन मुझे मुझे एथ टर्म निकालनी है। एथ टर्म निकालने का मतलब है मुझे चाहिए A+7D, मतलब A और D की वैल्यू चाहिए। A और D का एक रिलेशन मुझे मिल गया है, A+2D इज इक्वल टू 5। अगर एक और रिलेशन ए और डी में मिल जाए तो मैं आंसर निकाल सकती हूँ। कौन बताएगा मुझे दूसरा रिलेशन कहां से ढूंढूं? किसका यूज करूं, इसका करूं, इसका करूं, दोनों का करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो समझा दो जरा मुझे जल्दी से, फटाफट। कौन बता रहा है जल्दी से? सोचो सोचो। यहां पर अगर आप देख रहे हो, ये आपकी A2 से भी शुरू करोगे तो रहेगी एपी ही,
अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? नाइन। पहले टर्म को छोड़ दिया, टोटल 10 थी तो 9 टर्म्स हो गई। क्या मैं इस पूरे को लिख सकती हूं 9/2 a2 + a10 = 99? क्या ये बात समझ में आती है? फॉर्मूला मैंने लगाया n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस एपी की पहली टर्म अब a2 है, a1 नहीं है। पहली टर्म छोड़ करके बाकी टर्म्स का सम 99 था। तो फर्स्ट टर्म a2, लास्ट टर्म a10, नंबर ऑफ टर्म्स इज 9। 9 से इसको कैंसिल कर दें तो a2 + a10 = 22। ये दो इधर जा करके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। सो a2 + a10 इज कमिंग आउट टू बी 22। a2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विल बी a+d एंड दिस विल बी a+9d इज इक्वल टू 22। तो मेरे पास आ गया 2a + 10d इज इक्वल टू 22, a+5d इज इक्वल टू 11। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी मेरे पास जिसको यूज करने की मुझे जरूरत नहीं। तो आई हैव टू रिलेशंस बिटवीन ए एंड डी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -3d इज इक्वल टू -6, सो डी की वैल्यू हुई 2। डी को 2 डाल दें तो ए की वैल्यू 10, 11 - 10 1। ए 1 है, डी 2 है और आपको निकालना क्या है? एट्थ टर्म 1 + d इज 2, 14। आंसर इज 15। तो ए आंसर है आपका इस एमसीक्यू का। ठीक है जी, बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। एमसीक्यूज, लेफ्ट ओवर एमसीक्यूज एंड केस स्टडी। ओके जी, थैंक यू।